أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فقال الله تبارك وتعالى: सदक़ल आज़ीम अज़ी सातियो माओ बहनों और ख़्वीन इस्लाम मैं सबसे पहले अल्लाह रब्ज़त की बारगाह में अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ और कहता हूँ कि तमाम कस्म की तारीफ़ें अल्लाह तारीफ़ेंबलमी के लिए है जो मालिक अर्ज़ सम है खालिक कायनत है और हकीकी है मदब्बर हक़ीक़ी है और खाल हकीक़ी है और मैं लाखों करोड़ों सलाम करता हूँ आप की शख्सियत पर जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनत के लिए रहमत बनाकर मबूस किया और मैं अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह सुबह निस तरह हमी इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमी जन्नत फिरदोस में जमा करें और मैं अल्लाह इज़़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हो सुबहान हमारी रमज़ान की इबादतें कबूल फ़रमाएँ हमारी तिलावतें हमारे ज़िक्र अज़क़ार हमारी, हमारी दुआएँ सब कबूल फ़रमाएँ और इनके पादाश में हमें जहन्नम से रिहा करें आमीन या रब्बल आलमीन जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई औरतों से हम तारीख़ क़रान के मौजुअ पर गुफ्तगु करते हुए चले आ रहे हैं हमने इस मौजू को वाकयात, शख्सियात और इलमी बातों में तकसीम किया है कभी हम क़ुरान से जुड़ी हुई शख्सियात को लेते हैं उसमें रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कभी कुरान से जुड़े हुए वाकयात आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और कभी ऐसी बातें जो इलमी हैं उसे हम आम फहम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इस मौजू से मुतल पूरी बातें मुकम्मल हो जाएँ तो इसी सिलसिले में हमने कल की मजलिस में अब्दुल्ला बिन मसल्न उनकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने लाने की कोशिश की और ख़ास तौर पर उनका जो त्लक़ क़ुरान से था उन जवानब में रोशनी डालने की कोशिश की तो चलिए आज हम इस मजलिस में एक वाक़े के तौर पर एक अहम मौजू के तरफ आगे बढ़ते हैं मौजू मख्तसर ये है कि ये जो मसहफ़ हमारे हाथ में है इसकी क्या तारीख़ है ये कैसे हमारे हाथ में किताब की शक्ल में प्रिंटेड फॉर्म में इन तमाम आसानियों के साथ इन तमाम वजाहतों के साथ बड़े सहूलत से हमारे हाथ में ये किताब कैसे पहुंची आज हम यही देखने वाले हैं इन देखिए हमने पहले सबसे पहले ये देखा कि नबी वसल्लम ने अपने ज़माने में कुरान की कैसी हिफाज़त की हमने बताया कि वसल्लम ने कुरान की हिफाज़त दो तकसीम दो हिस्सों में की पहला एक हिस्सा जिसमें आप आपलम ने लोगों के सीनों में इसे महफूज कर दिया कुरान को नमाज़ में पढ़ते और लोगों को कुरान पढ़वाते और लोगों को कुरान हिफ्स करवाते थे उसके बाद आप ने ख़ुद उनके ज़माने में इसे लिखने का भी अहतमाम किया कुरान को बाकायदा लिखा गया और लिखने के लिए आप के पास कातिबीन वही के नाम से एक बहुत बड़ी जमात थी उन्होंने आप के इशारे पर आप के गाइडलाइंस पर उन्होंने पूरा मुसहफ़ लिखा और हमने ये भी देखा कि उस ज़माने में ना किताबों की सहूलत थी ना इन क़लमों की सहूलत थी ना इन फॉन्ट्स और ख़त की सहूलत थी तो बिल्कुल इब्तदाई शक्ल में जो भी उस ज़माने में मौजूद था उसे सहाबा ने इस्तेमाल किया और कुरान को लिखा गया और कुरान को लिखा गया चमड़ियों में हिडियों में तख्तियों में और झाड़ और पेड़ के उस उन हिस्सों में इन तमाम हिस्सों में क़र को लिखकर महफूज किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब जा रहे थे तो कुरान की सीने में भी हिफाजत हो गई और कुरान को लिखकर भी महफूज कर दिया गया इस एतबार से आप सला के बाद ओब्र सद्दीक जब आए तो उन्होंने इसे किताब की शक्ल दी और कैसे किताब की शक्ल दी वो क्या वाक़ थे कैसे जैबिन साबित ज़िम्मेदारी दी गई और उन्होंने कैसे इस ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज से पूरा किया और उमर बिन ख़ाब रजील् का क्या रोल था और उसके बाद इसे किताब की शक्ल कैसे मिली ये हमने देखा लेकिन ये जो किताब की शक्ल थी ये चमड़ियों में इसे तैयार किया गया था और एक ही नुस्खा था जो ओबकर सिद्दीक रजील् अपने पास रखे हुए थे और जब स्मान बिन अफ़ान का ज़माना आया तो लोगों के अंदर गैर आरबी होने की वजह हो से लहजात को लेकर ज़बान के तर्ज बयान को लेकर बहुत सारे झगड़े खड़े हो गए तो उस्मान बिन अफान ने एक लहजे में क्रैशी लहजे में दोबारा कुरान को उन्होंने लिखा फिर जैद बिन साबित को बुलाया जैद बिन साबित ने पूरे कुरान को दोबारा लिखा उसके कॉपीज़ बनाए और उस्मान बिन अफान ने इन कॉपीज़ के साथ साथ एक माल्म एक उस्ताद को भेजा और उस वक्त के जितने भी इस्लामी सिटीज़ थे उन तमाम सिटीज़ को एन मुसहफ का एक नुस्खा भेजा साथ साथ एक टीचर मालम भेजा और सबों को कह दिया गया कि इसके बाद तुम ऐसे ही क़ुरान पढ़ोगे जैसे ये उस्ताद पढ़ाता है जिसे हमने भेजा है जिसे हमने अपने तौर से अफिशियल भेजा है तो इस एतबार उस्मान बिन रजी ने जितने भी आलम इस्लामी में रात के जो झगड़े थे लहजों के जो झगड़े थे उसे उन्होंने फुल स्टॉप रखा ख़त्म किया उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुरान का जो जो फ़ॉन्ट था जो लिखा गया उसमें ना नुक्ते थे ना हरकतें थी फिर हमने ये तारीख देखी कि कैसे हरकतें आई हरकतें डालने में अबूल दुअली का क्या रोल रहा और ये कौन थे इनके बारे में हमने जाना उसके बाद उनके शागिर्द यहा बिन यामर और नसुर बिन आसिम आसमिसी इन दोनों ने मिल के कैसे नुक़तों को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद खलील बिन अहमद अल फराहिदी उन्होंने इस पर क्या काम किया ये सारी बातें हमने देख ली हैं अगर याद नहीं तो आप उन वीडियोस की तरफ रजू करें ये बहुत ही अहम बातें हैं तौर पर इन बातों को मजालिस में नहीं बयान किया जाता है तो आज चलिए यहाँ तक तो हमने सुन लिया कि कुरान में हरकतें नुक्तों को डालकर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया अब जब लिखा लोगों के पास जो खत था वो बिल्कुल मामली सा खत था इसी पर लोग इनहिसार किए हुए थे इसी को पढ़ते थे अब जब आलम इस्लामी में इस्लाम फैला दौलत आई तो शान शौकत आई चैन सुकून आया इत्मीनान आया बस्तियों में तरक्याँ हुई तो इस बाब में भी इस खत में भी तरक्की हुई इस खत में भी लोगों ने इस खत को डेवलप करना शुरू किया अब तो एक ट्रेंड बन गया था कि लोग मुसहफ को और जो भी हदीस है उसे लिखते थे और इसे बड़े अच्छे अंदाज से लिखना उन्होंने शुरू किया तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला नाम आता है जिस साहब ने इसे बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा और सारे आलम में इस्लामी में मशहूर हुए उनका नाम है खालिद बिन अबिल हयाज खालिद बिन हयाज इन्होंने पूरे मुसहफ को सोने में लिखा मुसहफ के सफात को सोने में लिखा सोने के पानी से उस वक्त जो फॉन्ट था उसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस मसहफ को तैयार किया इतफाक़ से उनके आप कहिए कि बदकस्मती थी वो ज़माना था उमर बिन अब्दुलज़ीज़ का उमर बिन अब्दुलज़ीज़ का इन्होंने मसहफ़ सोने में तैयार किया उनके खिदमत में पेश किया तो उन्होंने देखा और बड़ा सराहा कहा कि बहुत ही अच्छा काम है लेकिन तुमने पैसे ज़्याए किए उमर अब्दुल अजीज़ इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे चीज़ों को वो मामले रखना चाहते थे कहा कि तुमने पैसे इसमें बर्बाद कर दिया इसे आप सोहने सु, में नहीं लिखते कोई दूसरी चीज़ में लिखते तो अच्छा होता तो ज़्यादा खालिद बिन हयाज की पजीराई नहीं हुई लेकिन उन्होंने इस फॉर्न को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़बरदस्त काम किया ये वो आदमी हैं जो अब जाएंगे मदीना तो किबले की तरफ वहाँ पर तेईस सूरतें लिखी गई हैं बीस पर तीन सूरतों को लिखा गया है दोहा से शुरू होकर सूर्य तक इन सूरत को दीवार में लिखा गया है अगर आप बिल्कुल किबले की तरफ चले जाएंगे, तो आप उधर देखेंगे कि ऊपर दीवार में इसे बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा गया है यही साहब थे जिन्होंने इन चीज़ों को लिखा और उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मसाजिद में मबरों में और मसाजिद के दहलीज में क़रान की आयात को सब्त किया जाए और इसे बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा जाए इसकी जो है शुरुआत करने वाले यही खालिद बिन हयाज थे उसके बाद इस फ़न को और खूबसूरत बनाया गया बात आगे बढ़ी बात आगे बढ़ी लोग लिखते रहे यहां तक के जमाना आया तीन हिजरी का इस जमाने में एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए आप कहिए कि ये हदीस के इमाम बुखारी हैं तो ये फन खत के इमाम बुखारी थे इनका नाम था इबन मुकला तीन सौ अड़तीस तीन सौ अट्ठाईस की इनकी वफात है इन्होंने क्या किया ये देखिए इतने जहन आदमी थे इतने होशियार आदमी थे इन्होंने कई फॉन्ट्स को डिस्कवर किया ऐसे फॉन्ट्स को इन्होंने डिस्कवर किया जो आज भी लिखा जाता है आज आप जो भी मुसाफे उठाइए खासतौर पर हिंदुस्तान का जो मुसाफे उसे उठाइए आप उठाकर देखिए जिस फॉन्ड को लिखा गया है जिस फॉन्ड को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें आपने अली अलीबातासी का जिसमें आपने कुरान पढ़ना सीखा याद रख लीजिए इस फॉन्ड को ईजाद करने वाले यही इब्न मुकला हैं, यही इब्न मुकला हैं, तो, तो तारीफ तो बनती है उनके बारे में चंद चीजें पढ़ना तो बनता है क्योंकि उन्हीं के एहसान के तले हम दबे हुए हैं कि अगर वो ये फॉन्ड को इस अंदाज से नहीं बनाते तो उससे पहला जो फॉन्ड था पढ़ना बहुत मुश्किल था आम लोगों के लिए पढ़ना तकरीबन नामुमकिन था कोफी फॉन्ट कहते थे और उसे एक ही जगह तीन चार हरूफ लिखते थे बड़ी दिक्कतें होती थी आम लोगों को पढ़ने में तो ये साहेब आए उन्होंने इसे खोल कर पूरी वजाहत से लिखा और इस अंदाज से इसे इंट्रोड्यूस किया इसे डिस्कवर किया कि आज तक लोग उसे पढ़ते हैं उन्होंने छ फॉन्ट्स डिस्कवर किए एक फॉन्ट का नाम था सुलुस एक फॉन्ड का नाम था नस्क़ एक फॉर्ड का नाम था रेहान और एक फांड का नाम था रिका ऐसे इन्होंने छः फांड्स को डिस्कवर किया इंट्रोड्यूस किया और इसमें उन्होंने किताबें लिखी और सारे आलम इस्लामी को सिखाया तो वहाँ से लोग क़ुरान को खुलकर और बड़े वजाहत के साथ लिखना शुरू करते हैं इससे पहले इतना आसान नहीं था चंद सफात में आपको आधा कुरान लिख देते थे, थे चंद सफात में पूरा मूसफ़ लिख देते थे, थे। क्योंकि वो जो फॉन्ट था उस एक ही जगह घुमाकर ऊपर नीचे आगे पीछे लिखते थे सिर्फ जो आदमी पढ़ने सीखा हुआ है वही पढ़ सकता है बिल्कुल बेसिक जिसके पास इल्म है वो पढ़ नहीं सकता था तो ये इब्न मुकल की देन है कि उन्होंने जिस फॉन्ट को इंट्रोड्यूस किया आज तक लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आपके सामने तारीख आएगी ये जो हमारे पास हिंदुस्तान में जो मुसहफ छपता है इसकी क्या तारीख है और इसमें सऊदी अरब का क्या रोल रहा है ये भी इंशाल्लाह आपके सामने आज की मजलिस में बातें आएंगी। तो इब्रु मुकला के बारे में छह जबरदस्त ईजाद किया और उसके बाद इसमें लिखी और लोगों को इन्होंने जो है पढ़ाया अब ये शुरू में मामली थे मामली, थे, मामली थे। बाद में एक वजीर से इनका सबका पड़ता है एक वजीर से इनका सबका पड़ता है जो इनके काम को भांप लेता है कि आदमी के अंदर हरारत है एक आदमी के अंदर हुनर है तो उस वजीर ने अपने करीब किया और उसके बाद इन्हें मौके दिए कि वो क्या करें लिखने में आगे बढ़े तो लगभग इनके ताल्लुक से कहा जाता है कि सौ से ज्यादा मुसहफ इन्होंने लिखे देखिए आजकल आपको कोई भी चीज लिखना है तो बहुत आसान है कंट्रोल पी मारिए प्रिंट आउट आउट होगा ले लीजिए आप है ना इतना आसान हो गया आप कोई भी चीज डाउनलोड करिए कंट्रोल भी मारिए बाहर निकल के आ गया आपके पास इतना आसान नहीं था इतना आसान नहीं था कोई भी आदमी किताब पढ़ना है तो कैसे पढ़ता था पीडीएफ फॉर्मेट तो थोड़ी है उस जमाने में अगर कोई किताब मुझे मिसाल के तौर तो पर मैं गया मक्का मुझे वहां पर एक किताब मिली जो मैं पढ़ना चाहता हूं अब यह किताब मैं कैसे लेकर जाऊंगा यकीन उसका है वो साहब का है तो उस जमाने में तरीका यह था कि मैं उनकी इजाजत लेके मैं जाता था नस्ाख के पास नसाख जैसे आज आपके पास पब्लिकेशन सेंटर्स से। हैं वहां लेकर जाता मैं जाकर कहता कि भाई ये किताब है इसके मुझे तीन नुस्खे चाहिए ये किताब है मुझे इसके दो नुस्खे चाहिए तो वो साहब आपको कहते कि फी सफा इतना चार्ज होगा फी सफा इतना चार्ज और बड़ा महंगा होता था क्योंकि काम बहुत है तो आप कहते थे कि ठीक है भाई आप इसमें काम करिए मुझे तीन नुस्खे बना कर दीजिए वो कहते हैं कि आइया एक महीने के बाद आप या फिर बीस दिन के बाद तो वो बैठते इन तीन नुस्खों को तैयार करते उसके बाद वो तीन नुस्खे आपके पास मिलते आप वो लेकर सफ़र करते थे बाद में ये बिज़नेस इतना डेवलप हुआ कि बड़े बड़े बड़ नसाख पैदा हो गए उनके पास लिखने के लिए सौ सौ लोग होते थे तो बैक वक्त सौ कॉपीज़ बना सकते थे तो इस तरीके से इसे जो है फ़न नसाखा कहते हैं इस तरीके से ये फ़न बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया तो आसान नहीं था आसानी से किताबें नहीं मिल जाती थी आसानी से आपको मुसफ़ नहीं मिल जाता था कि आप लें सीधे पढ़ लें ऐसा नहीं होता था बहुत मुश्किल चीज थी एक रैर चीज थी और इल्म उस जमाने में उतना आसानी से नहीं मिलता था बहरहाल ये जो इब्न मकला हैं इन्होंने अपने हाथों से सौ से ज्यादा मुसफ लिखे और बड़े अच्छे अंदाज से लिखा इन्होंने तो वो जो वजीर थे जिनके पास ये रहते थे उन्होंने इन मसाहब को दूर दूर तक तो पहुंचाया बाद में ये इतने मशहूर हुए इन्हें खुद वजीर बना लिया गया अब्बासी खलीफा एक थे जिनका नाम था मुख्तला उन्होंने इनके हुनर को देखा इनके होशियारी को देखा तो उन्होंने इन्हें वजारत का दर्जा दिया वजीर बना लिया आकाश वजीर नहीं बनते आकाश वजीर नहीं बनते अल्लाह अकबर इनके ताल्लुक से आता है कि ये तीन मरतबा वजीर बनाए गए और तीन मरतबा वजारत से इन्हें बाहर निकाल दिया गया और उसी तरीके से इन्हें तीन मरतबा दफन किया गया एक कैसे भाई अभी अब सुनेंगे आप विशाल तो तीन मरतबा इन्हें वजीर बनाया गया तो इनकी हुनर को देके वजीर बनाया गया अब वजीर थे बड़े भोले भाले आदमी थे इल्म से इनका ताल्लुक था पॉलिटिक्स को ज्यादा समझते नहीं थे लेकिन अहम अहदे में थे तो लोगों ने जो खतरनाक जो जैसे कहते हैं ना लोमड़ी के जहन रखने वाले जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने इन्हें बहुत इस्तेमाल किया आखिरकार एक मसले में ये फंस गए थे किसी ने इन्हें इस्तेमाल किया लेकिन ख़लीफ़ा को मालूम हो गया कि ये साहब ने उनकी मदद की है ये साहब ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया है तो खलीफा गुस्सा आया तो खलीफा ने इन्हें निकाल दिया मसला अच्छा ही हुआ निकाल गए फिर इन्होंने अपने काम में वक्त लगाया बहुत कुछ लिखा बहुत कुछ लोगों को समझाया और बहुत सारे अहम अहम किताबें इन्होंने लिखी फिर चंद दिनों के बाद एक दूसरे साहेब है जिनका नाम था काहिर बिल्ला वो जब आए तो उन्होंने दोबारा इन्हें वजीर बना लिया दोबारा इन्होंने कहा कि नहीं आप आइए आप हम बहुत ज़रूरी है तो ये बहुत दिनों तक तो वजीर रहे और इनके बारे में आता है कि उस ज़माने में ईसाई और मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा जंग हुआ बहुत बड़ी लड़ाई हुई उसमें मुसलमानों को अल्लाह ने जीत दी ईसाइयों को नुकसान हुआ तो जब ये लड़ाई ख़त्म हो रही थी तो इस वक्त ट्रीटी लिखी गई तो जब ट्रीटी लिखी गई खलीफा ने कहा कि इब्न मकला को बुलाइए तो इब्न मकला ने अपने ख़त से उस ट्रीटी को तैयार किया उसमें दोनों बादशाहों ने एक तरफ मुस्लिम खलीफा और उस तरफ ईसाई बादशाह ने खत दस्तखत लगाए और दोनों के दरमियान य हुए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के खलीफा जब इनसे लिखाता है तो इनका कितना बड़ा मरतबा हो गया था ये मामूली आदमी थे लेकिन अल्लाह ने इन्हें बुलंद मकाम दिया और बुलंद मकाम से इन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ उसके बाद हुआ ये कि फिर किसी के कहने पर ये फंस गए खलीफा इनसे बहुत गुस्से में आ गए कोई मसला था किसी ने कुछ कहा इन्होंने दो सुना दिया चूँकि ऐसे वहदों में रहते ना उनके गर्दन में हमेशा छुरी लटकती रहती है आदमी जितना वो बड़े चले जाए और ख़ास तौर पर बादशाहत में मुसीबत है बादशाह के आप जितने गरीब जाएंगे उतना ही खतरनाक है क्योंकि ये कभी भी बादशाह से हिंडा दिए जाएंगे और उसके बाद जो बादशाह आएगा ना उसके बाद जो बादशाह आएगा पता है क्या करेगा वो इसके जितने भी साथी थे सबको खत्म कर देगा अरेस्ट नहीं आजकल अरेस्ट है कोर्ट में केस लाइए उस जमाने में अरेस्ट नहीं चुन चुन के मार देते दे थे अच्छा आदमी है मालूम है आलिम आदमी है रोते हुए मार देते थे रोते हुए कि भाई आप बहुत अच्छे है आदमी हैं आपको हम जो है मारना नहीं चाहते लेकिन आपका जिंदा रहना हमें मुश्किल है आपका जिंदा रहना हमारे लिए मुसीबत है इसलिए आप बरा अपनी रूह अपने हमारे हवाले कर दीजिए ऐसे कई लोगों को मारा गया है जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने इनके भाई वलीद बिन अब्दुल मलिक वो जब इनके दो भाई, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई बाद में सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह बने तो पता इन्होंने क्या किया खलीफा इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम सकफ़ी को बुलाया ये कौन है मोहम्मद बिन कासिम सकवी ये वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम को लाया ऑफिशियली हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में कराची और मुल्तान के उन इलाकों में इन्होंने इस्लामी खिलाफत के झंडे लहराए वहां पर इस्लामी अहकाम को नाफिज किया बड़े बुलंद आदमी हैं सुल्ता सुलेमान में अब्दुल मलिक ने बुलाया बुला के सिर्फ इनकी गलती ये थी कि ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के चाहने वालों में से थे से पहले जो खलीफा थे उनके साहब चाहने वालों में से थे तो इन्हें बगैर किसी रहम के इन्हें एक ही दिन में जेल के अंदर इनके गर्दन को मार दिया गया कितने बड़े आदमी हैं हिंदुस्तानी फतह किया है जो पॉलिटिक्स है ना ये बड़ी बुरी बला और गंदी बला होती है अब यहां पर बात इनकी खत्म नहीं हुई इस तरफ से इन्होंने तारिक बिन जियाद को बुलाया इस तरफ मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान में आए तो उस तरफ तारिक बिन जियाद अंदलुस गए तकरीबन आगे भी जो दो तीन साल का फ़र्क है वहां से तारिक बिन जियाद को बुलाया और ये साहब भी वलीद बिन अब्दुल मलिक के चाहने वालों में से थे और ये साहब के साथ ऐसा हशर हुआ आज तक लोगों को मालूम नहीं कि ये कहाँ चले गए अचानक गायब हो गए कहा जाता है चंद सालों के बाद बगदाद की एक मस्जिद में भीख मांगते हुए नजर आए उसके बाद फिर कभी नज़र नहीं आए तो ये जो पॉलिटिक्स होती है ये जब बादशाह ये जो सियासतदान होते हैं इनके करीब भटकना बड़ी मुसीबत की बात होती है अक्लमंद लोग इनसे दूरी रहते हैं अक्लमंद लोग इनसे दूरी रहते हैं क्योंकि ये आज उहदे में है अब जब येदे में है पता नहीं ये कैसे कैसे बालों पर निकालते हैं अब जैसे ही इनका वहदा चले जाता है इसके बाद जो आता है ना वो इतने गुस्से में रहता है कि इनके चाहने वाले और इनके आसपास भटकने वाले कोई बचता नहीं है जब अब्बासी खलीफे का आगाज हुआ तो पहला बादशाह जिसका नाम अब्दुल्ला सफाह था सफाह का मान खून बहाने वाला लोगों ने इसे सफाह कह दिया क्योंकि ये साहब जब खलीफा बने तो इससे पहले जितने भी बादशाह थे इससे पहले उमवी ख़ानदान वाले जितने भी थे ना कि सिर्फ उन्होंने कत्ल किया अगर कोई कत्ल होकर दफन हो गया तो उसके नाश को निकाल के जला के दफन करते थे है ना तो ये बड़ी बुरी बुला होती है पॉलिटिक्स इब्ने इबन से तो वही हो गया फिर उन्होंने दूसरी मरतबा वज़ी बने तो खलीफा उनसे बिगड़ गए और एक साहब आए जो खलीफा के ख़ास आदमी थे जिनका नाम था इबन वो साहब इनसे इतने गुस्से में आए कि यह हुक्म जारी किया कि मुकलाह को जेल में डाला जाए और मुकलाह को कोड़े मारे जाए इससे भी उनको राहत नहीं मिली तो आखिरकार इन्होंने ये हुक्म जारी किया कि मुकलाह के इस हथेले को काट दिया जाए इतना बड़ा खत्ता मुसफ़ को लिखने वाला हजारों मुसफ इसने लिखे और छ छ फॉन्ट्स को ये साहब ने इंट्रोड्यूस किया खत को इंट्रोड्यूस किया वो साहब के इंट्रोड्यूस करदा खतूत आज भी लोग पढ़ते हैं तो कितना बड़ा मरतबा है देखिए पॉलिटिक्स में फंसे तो ये हुक्म जारी हुआ कि इनके हथेली को मार दिया जाए और हथेली को मार दिया गया जिस हाथ से वो लिखते थे उस हथेली को काट दिया गया काट के दजला के नदी में फेंक दिया गया और उसके बाद ये ज़िंदगी भर इससे रोते रहे कहते रहे कि ये मेरे साथ सुलूक उसके बाद उस रुके नहीं यही आदमी के अंदर होना चाहिए रुके नहीं हार नहीं माने वो बात क्या करते थे कि वो कलम को ऐसे पकड़ के लिखते थे ये तो हथेली चले गई सिर्फ उनका ये हिस्सा बाकी है और ये है तो इन दोनों में कलम पकड़ के और इसे लिखते थे बाद में इन्होंने उल्टे हाथ से लिखने सीख लिया और जैसे वो सीधे हाथ से लिखते थे वैसे उन्होंने उल्टे हाथ से लिखना सीख लिया और उसमें उन्होंने पूरी महारत बनाई वो वैसे ही लिखते थे जैसे वो सीधे हाथ से लिखते थे तो अंदाजा लगाए कितने होशियार और जहीन और कितने मेहनती रहे होंगे लेकिन फिर मसला हल नहीं हुआ फिर मसला हल नहीं हुआ चंद दिनों के बाद फिर इन्हें वजीर बनाया गया वजीर बनना नहीं बनना अब इनके हाथ में नहीं है इन्हें कहा गया कि वजीर बनो तो बन जाए बस तो फिर वजीर बन गए अब जब वजीर बने इस बार उन्हें फिर उन पता नहीं लोगों ने उनसे क्या किया फिर उन्हें यह हुक्म जारी हुआ कि इनकी जबान को काट दिया जाए फिर उनकी जबान को काट दिया गया और जेल में ये इसी हालत में रहे और कहा जाता है कि ये पानी जब ठाते थे कुएं से सेंधते थे तो ये अपने दांतों से उस रस्सी को खींचकर पानी सेंधते थे और इसी हालत में रहे इसी हालत में जेल में वफात पाते हैं और जब वफात पाए तो जेल ही में इन्हें दफन कर दिया गया बाद में इनके रिश्तेदार आए उनके कबर को तो खोद के उनके नाश को निकाला उनके लड़के के घर में दफन किया तो फिर इख्तलाफ हुआ तो फिर लड़के के घर से निकाल के उनके बीवी के घर में दफन किया गया तो तीन मरतबा इन्हें दफन किया गया था इसलिए मशहूर है कि तीन मरतबा वजीर बने गए और तीन मरतबा वजारत से निकाल दिया गया और तीन मरतबा इन्हें दफन किया गया तो बड़ा अफसोसनाक इनका खात्मा हुआ बड़ा ट्रेजडी पर मुनहसर लेकिन इन्होंने जो काम किया इनका जो काम था इनका एहसान हमें से हर फर्द पर है ये जो आसानी से हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे इब्न का बहुत बड़ा हाथ है अच्छा इब्न मुकला इस ये गए तो इसके बाद इनके शागिर्द के एक शागिर्द है जिनका नाम था इबन अलबूक इनके ताल्लुक से कहते हैं कि ये ख़त की दुनिया में इमाम मुस्लिम थे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया ये बगदाद के रहने वाले थे और इन्होंने जो काम इबन अमला ने छोड़ा था उसे इन्होंने पूरा किया तो ये दो हैं याद रख लीजिए एक का नाम है इब्न दूसरे का नाम इबन अबाब ये दो हस्तियों के एहसानात हम पर हैं इसलिए मैं ये बाज़ मौजुआत बड़े इलमी हैं गहरे हैं उसके बावजूद मैं इन दो नामों को आपके सामने ला रहा हूं ताकि इन दो नामों को आप याद रखिए और इन पर रहमत भेजिए इनके लिए दुआ कीजिए कि इनके एहसानात हम साफ पर हैं जो भी कुरान पढ़ता है उसके भीजे इन हज़रा का एहसानात है इन्होंने एक काम किया था तो उसके बाद इबन अबाब आए उन्होंने काम किया उसके बाद बात आगे बढ़ाइए उसके बाद जमाना आया उस्मानियों का उस्मानी जो तुर्किया में जिनकी खिलाफत थी इनके जो इस्लाम पर बहुत सारे एहसानात हैं मुसलमानों पर बहुत सारे एहसाना हैं उनमें इनका सबसे बड़ा नुमाया रोल रहा कि इन्होंने कुरान के खत को इतना डेवलप किया इतना डेवलप किया और सारी दुनिया में पहुंचाया सारी दुनिया में पहुंचाया और दूर दूर तक इन खतकों को लोगों को पढ़ाया और लोगों को मुआवजे दिए पढ़ने वाले बच्चों को इनामात दिए पढ़ाने वाले उस्तादों को तनख्वाहें दी पूरी खिलाफत में और उस्मानिया खिलाफत जो है यह बहुत दूर तक चली हुई थी चाइना के बाउंड्री से लेकर आधा हंगेरी तक ये जो यूरोप है उसमें जो हंगेरी तक इनकी हुकूमत थी चाइना से लेकर हंगेरी तक पूरी हुकूमत थी और इस तरफ से नॉर्थ और साउथ जितना भी दुनिया का हिस्सा रहा उसमें इनकी हुकूमत थी तो खिलाफत उस्मानिया बहुत दूर तक फैली हुई थी तो इन्होंने पूरी अपनी खिलाफत में कुरान को प्रमोट किया कुरान के हिफ्स को प्रमोट किया उस्मानिया जो थे ये कुरान को कुरान के हिफ्स को ऐसा प्रमोट करते थे इनके मदरसों में यह कहा जाता था जब तक कुरान का हाफिज सौ मरतबा दौरा नहीं कर लेता उसे हाफिज का टाइटल नहीं मिलता कुरान हिफ़्ज़ करने के बाद सौ मरतबा उसे कुरान का दौरा करना पड़ता है सौ मरतबा जब वो दौरे कर लेता है तब जाके उसे हाफिज का टाइटल देते थे इस अंदाज से इन्होंने सारे आलम इस्लामी में कुरान को और कुरान के ख़त को फैलाया इसमें ये जो मगरबी हिस्सा है देख लीजिए ये जो आलम इस्लामी है इसे अहल इन दो हिस्सों में बांटते हैं एक है मशरक़ी आलम इस्लाम एक है मगरबी आलम इस्लाम वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड एक है ईस्टर्न ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड एक है वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में क्या है ये आपका जो है कोफा बसरा जितने भी बगदाद अरब मक्का मदीना ये सब आपका आता है ईस्टर्न में मशरकी आलम इस्लाम में और वेस्टर्न में आता है अंदुलस और उसके बाद ये जो आपका मगरब का मुराको है यह जो नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से पड़ते हैं इन्हें कहा जाता है मगरबी आलम इस्लामी मगरबी आलम इस्लामी ये दोनों शुरू में एक खिलाफत में रहे बाद में अब्बासी ज़माने में खिलाफत इस्लामी के दो हिस्से हो गए खिलाफत इस्लामिया के दो हिस्से हो गए अहम खिलाफत तो यहाँ थी ईस्टर्न वर्ल्ड में लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अलग से खिलाफत चल रही थी एक अलग से खिलाफत चल रही थी उमवी लोग कई दिन तक वहां पर हुकूमत कर रहे थे तो वहां पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई ऐसी तरक्की अल्लाह अकबर ऐसी तरक्की के कुरतुबा एक जो उनकी सिटी थी उस एक सिटी में एक सिटी में एक हज़ार हस्पताल थे दस हज़ार मदरसे थे और उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी लोग थे सब यहाँ पर पढ़ने आते थे यानी उनकी तरक्की आप पढ़ेंगे किताबों में आप कहेंगे तो झूठ है हो ही नहीं सकता लेकिन अहिल किताबों में लिखा है कि जो कुरतबाह जिसे आप कुरडोबा कहते हैं ये मुसलमानों के हाथ में जब था तो उसकी क्या तरक्की थी और बार्सिलोना है ना इसे अरबी में कहते हैं ये इस्लामी दुनिया का कई सालों तक कैपिटल रहा है वहां पर आज भी ऐसी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखकर आंखों में खून के आंसू आते हैं ये सब मुसलमानों ने बनाए हैं अब उन्होंने उसे कलेसा बना लिया उन्होंने चर्च बना लिए कई पुरानी इमारतों को इन्होंने यूनिवर्सिटीज में तब्दीली कर लिया है स्पेन के अंदर तो यह है आपका मगरबी आलम इस्लामी तो मगरबी आलम इस्लामी में सबसे ज्यादा कुरान में कम हुआ कुरान के साइंस में जितना ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में काम हुआ है उससे दुगना चुगना वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में काम हुआ है खास तौर पर स्पेन के अंदर जितने भी आप कुरान केमा उठा कर देखेंगे अक्सर और बेशतर आप वहीं के पाएंगे कुरान में उन लोगों ने बहुत काम किया बहुत काम किया और इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो ईस्टर्न आलमी इस्लामी है ये लोग ये लोग शुरू ही के ज़माने में रस्म उस्मानी को छोड़ दिया मैंने ये फ़र्क इसलिए किया ताकि आपको मालूम हो कि ये शुरू ही में शुरू के एक डेढ़ सौ साल में इन्होंने रस्म उस्मानी को छोड़ दिया इन्होंने बाद में मुसहफ लिखे जो जदीद फ़ॉन्ट था जदीद उसके कंडीशन रूल्स थे उसके मुताबिक इन्होंने मसाहिफ लिखना शुरू किए लेकिन मगरबी आलम इस्लामी में कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने उस जमाने से लेके इस ज़माने तक इन्होंने जब भी मुसफ लिखा रस्म उस्मानी में लिखा लेकिन उनका काम चूंकि उनकी बस्तियां छोटी थी मुल्क छोटे थे ये तो ईस्टर्न वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है ईस्टर्न वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है इस्लाम के जितने भी अहम सिटीज़ हैं जितने भी अहम बस्तियां है, वो हैं वो सब ईस्टर्न आलम इस्लामी में पड़ते हैं आप मक्का कहिए मदीना कहिए काहिरा कहिए आप दिमश कहिए आप हलब कहिए आप कोफा कहिए बसरा कहिए मोसिल कहिए ये सब जितने भी अहम सिटीज़ हैं वो सब आपको ईस्टर्न आलम इस्लामी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो उलमा की बड़ी तैदा थी तो इनके काम को हमेशा सराहा गया ये मगरबी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के थे इनके कामों को कम लोगों ने पढ़ा और उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और उनका अपना ही फोन था एक मशहूर फ़र्क ये है कि वो काफ को काफ को एक नुकता नीचे डालते हैं उनकी किताबों में पुरानी किताबों में आप पढ़ेंगे तो उनके पास क़ाव जो है काफ के ऊपर दो नुकते होते हैं उनके पास काफ का एक नुकता वो भी नीचे होगा ये कैसे भाई फा पर नीचे नुकता होता नहीं है कि नहीं लेकिन उनके पास इसी तरीके से वो कई जमाने तक मुसफ लिखते हैं आज भी उनकी पुरानी किताबों में इसी को फॉलो किया जाता है तो उनकी मेहनतें इसमें बहुत ज्यादा थी लेकिन उन्होंने रस्म उस्मानी को नहीं छोड़ा लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्होंने शुरू ही में रस्म उस्मानी को छोड़ दिया उसके बाद जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए लिखने में उसे इन लोगों ने फॉलो किया ये दो बहुत ही अहम फर्क है जिसे हमें याद रखना चाहिए बाद में देखिए जमाना आगे बढ़ा उस्मानी दौर आया तो उन्होंने बड़े बड़े उलमा पेश किए ऐसे नाम हम गिनते रह जाएं इतने बड़े नाम हैं और उस्मानी जमाने में ही अल्मानिया के अंदर यानी जर्मनी के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस फाउंड आउट किया गया जर्मनी के अंदर 1530 में 1530 ईस्वी 1530 में सबसे पहले कहा जाता है कि इन लोगों ने एक प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया उस जगह का नाम है ग्यूटनबर्ग ग्यूटनबर्ग इलाके में इन्होंने सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट किया क्यों फाइंड आउट किया इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस फाइंड आउट किया बाइबल को छापने के लिए बाइबल की इशात के लिए तो इन लोगों ने बाकायदा इस टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया और इन्होंने बाइबल छापा सबसे पहली किताब अगर दुनिया में कोई छपी है तो क्या है बाइबल इन्होंने छापा और वो भी लैटिन लैंग्वेज में छापा और उसमें सारे इतने सारी गलतियां थी उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए उनके दरमियान इख्लाफात हो गए बाद में उन्हीं लोगों ने इसे जला दिया तो सबसे पहले प्रिंटिंग जो था वो जर्मनी में फाइंड आउट हुआ उसके बाद उन्होंने तो बाइबल छापा देखिए बाइबल के लिए ये लोग जो मेहनत करते हैं बाइबल के नशर नशोर शाद के लिए ये लोग जो मेहनत करते हैं उसका दस फीसद हम नहीं कर रहे हैं अब अरब जोड़ लीजिए ये बर सगीर जोड़ लीजिए हिंदू पाक को जोड़ लीजिए जितने भी मुसलमान हैं जितनी भी हमारी मेहनत है कुरान की नशर के लिए कुरान को छापने के लिए उनके मुकाबले में दस फीसद भी नहीं है ये कुरान की सदाकत है ये कुरान की सच्चाई है ये कुरान की ताकत है कि वो बगैर किसी मदद के बढ़ रहा है याद रख लीजिए मुसलमानों ने कुरान की खिदमत नहीं की कुरान का हकदा नहीं किया कुरान को जिस मरतबे में लेकर जाना था हम मुसलमान लेकर नहीं गए हमारे जो खलीफा रहे हमारे जो बादशाह रहे उलमा रहे उन्होंने अपने बस में जो कोशिश की लेकिन उनके मुकाबले में आज भी यूरोपियन कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें वहां के लोगों के सैलरीज में दस फीसद टैक्स के तौर पर काट लिया जाता है जो मिशनरी वर्क में लगाए जाते हैं आप क्या नहीं देखते आप चेन्नई में जो जो माउंट रोड है चले जाइए वहां पर जो चर्चेस खड़े हैं कैसे खड़े हैं भाई एक इमारत बनने के लिए कैसी कैसी हालत हम मुसलमानों की हो रही है इन लोगों के पास अहम अहम रोड्स में अहम अहम इलाकों में दरिया के मान इन जगह है बड़े बड़ी जगह है बड़े बड़े इनके चर्चेस हैं बड़े बड़े इनके स्कूल्स हैं कहां से जमीनें आती हैं इनके पीछे जो खर्च होता है पता है आपको एक बिशप को आज की बात बता रहा हूं

जो भी ईसाई बनना चाहता है उसके पूरे खर्चे देते हैं ऐसा नहीं कि भाई जकत के तौर पर आपने खाने पीने के लिए कुछ दे दिया पहनने ओढ़ने के लिए कुछ दे दिया नहीं कोई ईसाई बनता तो पूरे खर्च देते हैं उसके पूरा पैसे पानी की तरह बहा रहे इस दौर में भी मैं अब की बात कर रहा हूं ए, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं हालांकि अब हुकूमत के तौर से उन पर कड़े नजर हैं उनके ट्रांजैक्शंस पर कड़े नजर हैं उन्हें पूरा रोका जा रहा है उसके बावजूद भी इनके पास इतने पैसे हैं कई गांव चलाते हैं कई गांव चलाते हैं एक आलिम तो वो बड़े सुजदर रह गए उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं एक मरतबा अंडमान गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वहाँ पर आज भी ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जो कपड़े नहीं पहनते अगर कोई कपड़े पहन के जाएगा तो खा लेते हैं उसे कपड़े पहन कर जाना गुनाह है ऐसे ट्राइबल लोग आज भी रहते हैं अंडमान के अंदर तो कहते हैं कि एक बार मैं जब उधर गया तो हमें कहा गया कि अगर आप इस ट्राइब के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते तो फिर नहीं जा सकते आप तो कहा कि ठीक है कपड़े तो उतार नहीं सकते तो कहते हैं कि हम यही सुन रहे थे तो इतने में हमें एक ऐसा पादरी नजर आया जो बिल्कुल गोला चट्टा था नंगा था पूछने पर बताया गया कि ये ईसाई की दावत करता है इस ट्राइवल पीपल्स में ईसाइयत की दावत फैलाता है इन ट्राइबल पीपल में ना कि सिर्फ ये बल्कि इससे पहले वाले जो आए थे उन्होंने इनके लैंग्वेज को सुन सुन के सीखा उनके लैंग्वेज में गुफ्तु की उनके लैंग्वेज की डिक्शनरी डाली और उसके बाद उनके लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया अंदाजा लगाइए आप हमारी मेहनत कितनी है बहुत कम है तो मैं बता रहा हूं कि ये पानी पैसों के पैसे पानी की तरह खर्च करते हैं बड़े बड़े इनके इदारे हैं बड़े बड़े इनके अस्पताल हैं बड़े बड़े इनके स्कूल हैं है कि नहीं बड़े बड़े इनके कॉलेज हैं वहां पर वो जो तनख्वाहें देते हैं कोई और दे नहीं सकता डॉक्टर्स को जो तनख्वाहें देते हैं कोई और दे नहीं सकता इतना पैसा इनके यहां आता कैसे है और उसके बाद इनका काम चैरिटी बेस्ड होता है रिन्यूअल बेस्ड नहीं इनकम्स ज्यादा नहीं इनके अंदर चैरिटी बेस्ड इनके काम होते हैं तो चैरिटी डोनेशंस चाहिए इतना पैसा जी साथियों आज भी इनके पास आता है यही यूएसए से यही यूके से यही यूरोपियन कंट्री से वहाँ पर इनके तनख्वाहों में इन्हें बताकर दस फीसद इनके काट ले जाते हैं और ये पूरे पैसे मिशनरी वर्क के लगाए जाते हैं और ये पूरा कंट्रोल वैटिकन सिटी इटाली के अंदर है वहाँ पर लोग इसीलिए बैठते हैं कि कैसे ईसाईत की नशर करें है ना इसके पीछे इनकी लंबी तारीखें बताने का मौका नहीं तो मैं बता रहा था कि हम अल्लाह की इस किताब को फैलाने में हमारी जो मेहनत है उनके मुकाबले दस फीसद भी नहीं है लेकिन ये हमारी अल्लाह की किताब की सच्चाईत है, सदाकत है इस किताब के अंदर खुद अल्लाह ने ऐसे ताकत और ऐसा पौर डाला है कि किताब खुद ब खुद फैल रही है खुद ब खुद लोग पढ़ रहे हैं हम मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से बाद में ट्रांसलेट किया है ट्रांसलेट मुसलमानों की तारीख में ट्रांसलेशन कब हुआ आज से डेढ़ सौ साल पहले उससे पहले ट्रांसलेशन था ही नहीं तो ये एक बहरहाल एक सान्या है तो मैं बता रहा था तो इन लोगों ने तो पहले बाइबल को छापा बाद में उनके पास कोई चीज़ छापने की नहीं थी कोई चीज़ उनके पास छापने की नहीं थी तो उन्होंने क्या छापा उन्होंने हमारी अरबी किताबों को छापा तारीख की किताबों को छापा बाद में उन लोगों ने कोशिश करके अल्लाह के कलाम कुरान को भी उन्होंने सबसे पहले छापा सबसे पहले कुरान को छापने वाले इटाली के रहने वाले थे 1838 में 1838 में सबसे पहले इटाली में कुरान का पहला मतलब ट्रांसलेशन नहीं अरबिक टेक्स्ट को पहली मरतबा इन लोगों ने छापा ढेर सारी गलतियां थी छापने वाले ना वो स्कॉलर्स थे ना उन्हें कुरान के बारे में ज्यादा मालूम थी बस उनके पास कुछ छापना था तो उन्होंने छापा अब हो सकता है कि ये कुरान के अंदर खामी तलाश करने के लिए कुरान के अंदर जो है कुछ चीजें तलाश करने के लिए इन्होंने किया हो बहरहाल सबसे पहले इन्होंने किया उसके बाद हंबर्ग में एक है। उसके बाद कुरान का दूसरा नुस्खा छपा 1694 में 1694 में। उसके बाद बदाफिया इटाली में 17000 के बाद तीसरा नुस्खा छपा शुरू के तीन नुस्खे जो प्रिंटेड फॉर्म में सारी दुनिया में हमारे कुरान का आया तो करने वाले कौन थे यही ईसाई थे आपको भी बताते चलो यूरोप के अंदर यूरोप के जो जहन है यूएस यूके यूरोप के अंदर जो जहन है एक जहन उसमें ये है जिसे ओरिएंटलिस्ट कहते हैं ओरिएंटलिस्ट का मतलब यह है एक अलग सब्जेक्ट है वो कई सौ साल से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट क्या है कि वो देखेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में होता क्या है इस्लामिक वर्ल्ड को फोकस किए हुए हैं इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन किए हुए हैं इसमें सी भी तब्दीली आई उसमें रिसर्च करते हैं इसमें नया कुछ हुआ तो उसमें रिसर्च करते हैं आपको पता है आपको पता है जितने भी सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब जो है उसके अंदर आपको सऊदी अरब की तरक्की तो अभी सत्तर साल अस्सी साल, उससे पहले, पहले जो भी यूरोपियंस आए उन लोगों ने कहा कि ये दिस इज अस उन्होंने कहा कि ये तन्नूर है भट्टी है यहां कौन रहेगा यहां कोई आता नहीं था लेकिन उस जमाने में भी जर्मन और फ्रेंच यहां आते थे इन कबायली लोगों के साथ रह के उनके लैंग्वेजेस में रिसर्च किया है उनके जो कलो के लैंग्वेजेस हैं, उसमें सौ साल पहले रिसर्च किया गया है डेढ़ सौ साल पहले रिसर्च किया गया है यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड वो बहुत बड़ा पैसा ये इस्लामी दुनिया में हो क्या रहा है इसे फोकस करने के लिए खर्च करता है पता है आपको जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं हार्डवर्ड कहिए आप ऑक्सफोर्ड कहिए आप अब जो है कैलिफोर्निया है जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सब यूनिवर्सिटीज में एक बाकायदा एक अच्छा खासा मजबूत डिपार्टमेंट होता है जिसे पूरी सहूलियतें होती है वो डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि कैसे इस्लामी मौजूद पर रिसर्च करें ना बड़ बड़े बड़े नाम हैं आपको बताओ ताजुब करेंगे सबसे ज्यादा कुरान पर आर्टिकल लिखने वाले हमारे उलमा कंपेयर कीजिए उन्हें कंपेयर कीजिए हमारे उलमा में अगर एक आदमी कुरान पर कुछ लिखा है आर्टिकल्स लिखा है तो सौ दो सौ से ज्यादा नहीं बास जर्मन है उन्होंने कुरान पर आर्टिकल्स लिखे हैं बास की तादाद साढ़े पाँच सौ से ज्यादा है एक आदमी एक आदमी कुरान पर आर्टिकल्स लिखा है साढ़े पाँच सौ से ज्यादा उसके आर्टिकल्स हैं नोल्ड वाल का एक साहब है इन्होंने कुरान को चालीस साल उस पर रिसर्च किया है कुरान को मुख्तलिफ एंगल से पढ़ा है है ना तो आप बड़ा ताजुब करेंगे अच्छा कुरान की वजह से सबसे बेहतर डिक्शनरी आज इंग्लिश में आप इंग्लिश अरबिक डिक्शनरी देखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी में लिखने वाला जर्मन है लिखने वाला कौन है जर्मन है ये आया अरब दुनिया में रहा कई साल तक रहा पच्चीस तीस साल यहां गुजारे वापस गया वापस जाकर इसने एक डिक्शनरी लिखी अरबिक डिक्शनरी लिखी मकसद क्या था कि लोग कुरान में क्या हो जाने कुरान में क्या है हो जाने तो ये ये इनके रिसर्चर्स हैं मैं आपकी बात बता रहा हूँ पुरानी नहीं बात बता रहा हूँ मैं तो सबसे पहले कुरान को छापने वाले यही यूरोपियन से पहले इटाली में फिर जर्मनी में फिर इटाली में तीन नुस्खे छपे गए और तीनों में ढेर सारे गलतियाँ थी और ढेर सारी गलतियाँ थी ये जब मुसहफ पहुंचे आलमी इस्लामी को तो ओलमा ने फौरन कुफ्र का फतवा दिया कहा कि अगर कोई छुएगा पड़ेगा तो काफिर है तो कोई से खरीदा नहीं तो इन्होंने जो नुस्खे बनाए थे पूरे डंप हो गए उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ कब हम लोगों ने छापा इस्लामी दुनिया में सबसे पहले जो मालूम हुआ है सबसे पहले छापा गया है वो 1879 में मोराको के अंदर फास्ट नामी एक सिटी है उस सिटी में सबसे पहले कुरान को प्रिंटेड फॉर्म में लाया गया लेकिन ढेर सारी गलतियां थी बहुत सारी गलतियां थी आसान नहीं था पढ़ने वालों को मालूम होती थी गलतियां थी उसके बाद ईरान में छापा गया उसके बाद हिंदुस्तान में छापा गया उसके बाद तुर्किया में छापा गया ऐसे इन इलाकों में छापा गया तो ढेर सारे नुकसान थे बाद में एक बहुत बड़े आलिम आए मिस्र के उनका नाम याद रखिए इनका भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है इनका नाम है मोहम्मद रिजवान अल मुखललाटी मोहम्मद बिन रिजवान अल मुखललाटी ये मिस्र के रहने वाले थे इन्होंने क्या किया इन्होंने बहुत ही बड़ा तारीखी काम किया सबसे पहले इन्होंने कहा कि जितने भी कुरान प्रिंटेड फॉर्म में हमारे माशरे में है सब में गलतियां हैं कोई नुस्खा गलतियों से बरी नहीं है सब में गलतियां हैं तो इन्हें गलतियों से बाहर निकालें। तो पहले इतनी सारी मेहनत की कई साल मेहनत किए कि इन गलतियों से बाहर निकाला उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली वो क्या थी कि कहा कि मुसहफ को हम रस्म उस्मानी में छापेंगे मैंने आपको बता दिया कि शुरू के दो सौ हिजरी डेढ़ सौ हिजरी के बाद ईस्टर्न आलम इस्लामी में रस्म उस्मानी को छोड़ दिया गया था तो दोबारा हज़ार साल के बाद ये शख्सियत थी जिसने ये कोशिश की कि मुसहफ को रस्म उस्मानी में प्रिंट किया जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और इनके मेहनत के बाद मिस्र में एक मुसहफ छपा जिसका नाम था अमीरी या फिर मुसहफ फुआद बादशाह वो साहब तुर्की बादशाह थे उनके नाम से इस मसह को मौसू किया गया यहां पर इस मसहफ को छापा गया इसमें गलतियां कम थी इसमें गलतियां का फिर भी गलतियां थी माहरी को मालूम होता था कि गलतियां क्या है उसके बाद आपका हिंदुस्तान आ गया देखिए हिंदुस्तानियों के भी कुछ कम एहसान नहीं है कुरान में हिंदुस्तान में उन्नीस सौ उन्नीस में नाइनटीन में लाहौर के अंदर एक प्रिंटिंग कंपनी शुरू की गई उस कंपनी का नाम है ताज कंपनी ताज कंपनी सुना है कि नहीं सुना है सुना होगा आप जितने भी मुसफ हैं पूरे ताज कंपनी के हैं ये जितने भी आपके मुसफ हैं आप जाइए इधर जितने भी दुकानों में आप खरीदते हैं ना वो कितना देते हैं आप डेढ़ सौ रुपये देते हैं जबकि उसकी मेहनत पाँच सौ की ज़्यादा होती है ऑलरेडी सब्सिडेड है ऑलरेडी सब्सिडी के साथ वो आपको सस्ते में मुसाफ पहुँचाते हैं आप जाइए जितने भी जो मुसाफ भेजते हैं उसमें से कोई भी मुसफ ले लीजिए आप खोल कर देखिए उसे छापने वाले का नाम है ताज कंपनी ये लाहौर में शुरू हुए थे और उसके बाद ये शुरू में इन लोगों ने सबसे बेहतरीन नुस्खा छापा हिंदुस्तान के लामा उसमें खास तौर पर मोहम्मद किफ़ायतुल्ला नाम एक बहुत बड़े आलिम और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम मिलके इन्होंने 1940 के बाद 1930-1940 के बाद एक ऐसा नुसफ़ छापा जिसमें गलतियां बहुत ही ना के बराबर थी गलतियां ना के बराबर थी लेकिन इसमें जो फॉन्ट आप देखते हैं ज्यादा इसमें क्या नहीं है डिज़ाइन नहीं है ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और उसके बाद इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि आयतें कटती हैं मतलब आप सफ़े के आखिरी में आएंगे एक बड़ी आयत है तो आयत का एक हिस्सा यहाँ होगा दूसरा हिस्सा ऊपर होगा इससे पढ़ने वालों में बहुत तकलीफ़ होती थी तो ये लेकिन इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया तो ताज कंपनी वालों ने बहुत बड़ा काम किया मुसहफ को सही अंदाज से छापा इसमें रस्म उस्मानी को उन्होंने मलहूज़ रखा ये जो हमारे पास ताज कंपनी है ये रस्म उस्मानी में लिखा गया है बहुत ही मीगर मीगर इलाकों में जो बहुत ही माहिर होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि बास जगह इन लोगों ने रस्म उस्मानी के खिलाफ कुछ लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी वैसे ही लिख सकते हैं बास जगह चीजें हैं वरना ये मैक्सिमम रस्म उस्मानी में ये ताज कंपनी वालों ने इसे लिखा है बहुत बड़ा काम है इसीलिए सऊदी अरब जो आप देखेंगे सऊदी अरब ने जो मुसफ छापा है दो हैं उनके पास एक उनके अंदाज का दूसरा ताज कंपनी वाला मुसफ छापते हो देखा है कि नहीं देखा है ताज सऊदी अरब के दो मुसहफ हैं सऊदी अरब के दो मुसहफ हैं गालिबन यहां नुस्खा होना चाहिए ये जो आम नुस्खा है जो आप देखते हैं इसके अलावा ये जो ताज कंपनी वाला वो छापते हैं सऊदी गवर्नमेंट ताज कंपनी वाला नुस्खा छापते पूछा गया कि आप क्यों छापते हैं कि ये सबसे मशहूर है पूरे वर्ल्ड में ताज कंपनी पता नहीं किस मुखलिस से शुरू किया और उनके जो ओनर से उनका नाम भी मालूम नहीं है ये आज भी चैरिटेबल हमारे लोग लो हम, लो कहा पैसे देंगे हमारे लोग पैसे जायेंगे हस्पताल में, है ना? हस्पताल में आप, वो इंतजार में रहता है जमा है ना सबके मुंह काट काट के जमा तो मेरे पास दो तो वो खूब लेता है आपके पास तो हम लोग कहाँ पैसे जो है जमाने कोशिश करते हैं आम बेचने वाले के पास तरका उसके पाँच रुपए के लिए झगड़ा आधा घंटा दस रुपए के लिए उसके पास लंबी गुफ्तगु तो नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा हाँ भाई ये मेहनत करते हैं इसे दस रुपए आप एक्स्ट्रा डाल के दीजिए कोई मसला नहीं है है ना इसे चार रुपए एक्स्ट्रा सदखे की नीयत कर लीजिए एक आदमी को देख रहे हैं कि धूप में खड़ा हुआ है वो संतरे बेच रहा है धूप में खड़ा हुआ है वो टमाटर बेच रहा है क्या आपको नजर नहीं आता कि उसकी कितनी बड़ी मेहनत है और उसके बाद ये जो सामान रखा है ख़राब हो जाएगा वक्त पर नहीं बिकेगा तो खराब हो जाएगा बड़ा घाटा होता है उसे तो इन लोगों के पास आप ज़्यादा बारगेन मत कीजिए जो मांगते हैं दे दीजिए उनकी मेहनत है मुस्तक है आप नहीं देंगे तो आप कहाँ देंगे कहीं और आपके चले जाएंगे अब जो एक्स्ट्रा देते हैं जो जो आपके अंदर जिल में जो जलन पैदा होता है कि दस रुपये एक्स्ट्रा इसने ले लिया तो दस रुपये एक्स्ट्रा आप सदक़े की नियत कर लीजिए ना भाई क्योंकि दस रुपये जो एक्स्ट्रा मैंने दिया है सदका है आपको सदके की जो है वो अजर भी मिल जाएगा आपको तो बहरहाल मैं आप बता रहा था कि जो ताज कंपनी जो हिंदुस्तान के ऊल्मा ने जो काम किया जो आज भी हमारे पास जो मसाहिब छपके हमारे हाथ में है इसके पीछे आम आसान मेहनत नहीं है बहुत मेहनत की है उन्होंने और ये जो प्रिंटिंग है, ये लिटो प्रस, है। लिटो प्रस, जानते हैं। प्रस वाले बाजेंगे इसे सेट करने में इसे छापने में क्या है पांच छह लीटर पसीन आपके निकल जाएगा ही शुरू काम शुरू होती पांच छह लीटर पसीन आपका निकल गया है ना पूरी चर्बी गल गई उतनी मेहनत लगती है उसके बाद वो चीज छपती है लीतोप्रस आसान नहीं है उसमें जो बड़े बड़े जो तख्तियां होती है वो उठा तक आदमी के पूरे पूरे क्या है शोल्डर्स पूरे कट्स निकल आएंगे ऐसा लगेगा कि आदमी रोज जिम करता है है ना ऐसी मेहनत के बाद ये चीजें छपके बाहर आती है आसान नहीं है अच्छा उसके बाद आखिरी बात बता देता हूं मैं तो ये आप मैंने आपको बताया मोहम्मद रिजवान मुखल्लाटी उन्होंने मिस्र में मुसहफ छापा जिसे मुसहफ अमीरी कहते हैं मिसफ मुसहफआत कहते हैं उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर ताज कंपनी वाला ये दो मुसहफ 99 परसेंट सही है लेकिन एक फ़ीसद इनमें रस्म उस्मानी की गलतियां हैं जो माहरीन को मालूम होती हैं नंबर दो इनके सफ़ात का सेटअप ठीक नहीं है आयतें टूटी हुई हैं ठीक से जो है पढ़ने वाले को एक फ्लो नहीं मिलता है और उसके बाद खूबसूरत नहीं है देखने में खुश मंजर नहीं है है ना जो बच्चे हिस्स करते हैं उन्हें देखिए है कि अगर कुरान में एक सफा हिस्स ना हो तो नफरत आ जाती है दोबारा नहीं देखना सफ़ेक है ना बड़ा मुश्किल हिस्सा है कितनी बार पढ़ो चढ़ता नहीं तो वो जो देखते हैं उसे नफरत आ जाए तो इन लोगों ने कोशिश की कि इसे खूबसूरत बनाए और इसे हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट बनाए और इसके लिए बहुत बड़े बादशाह सऊदी अरब के जिनका नाम था किंग फहद अल मलिक फहद 1984 में इन्होंने हुक्म दिया कि मदीना के अंदर एक किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स कायम किया जाए अच्छा उससे पहले मैं एक और और एक नुकता बता देता हूं इस कुरान को छापने में ताज कंपनी वालों की जो मेहनत थी उसके पीछे एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था मोहम्मद मोहम्मद गौस आरकाडी मोहम्मद गौस आरकाड वाले अब बाज लोग कहते हैं आरकार्ड वाले यहां से कहां से आ गए भाई बहुत बड़े आलिम थे आर के रहने वाले थे यही हमारे काजी साहब के खानदान से उनका ताल्लुक था उनका नाम था शौरफुल मुल्क उनके नाम से काजी साहब की जो ऑफिस है उसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है आप जाइए उसे देखने की कोशिश कीजिए अगर उन्हें आपको दिखाएं तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी है जिसमें बारह हजार अरबिक मैन्यूस्क्रिप्ट हैं लगभग आज के दुनिया के हिसाब से उसे आप पैसों में कन्वर्ट करेंगे पंद्रह बीस करोड़ का तो माल है उधर लेकिन हालत उसकी बड़ी ही खस्ता है बड़ी बुरी हालत है उसकी बहरहाल वहां जो आलिम थे उनका नाम था मोहम्मद उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम था मुसहफ, कुरान पांच जिल्दों में हैदराबाद में किताब छपी है है ना तो इन्होंने इस किताब में कुरान को कैसे लिखा जाए बगैर मिस्टिक के कैसे लिखा जाए तो ये कौन से जमाने के थे आज से डेढ़ सौ साल पुराने हैं आज से ये डेढ़ सौ साल और दो सौ साल पुराने बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं उनके औलाद में एक बहुत बड़े काजी है जिनका नाम था काजी बदर अंग्रेजों के इनके पास बड़ा काम था बड़ा मरतबा था अंग्रेजों का इनके पास बाद में इसकी एक मुस्तकिल तारीख है तो ये जो आलिम है इन्होंने किताब लिखी इसे बुनियाद बनाया था ताज कंपनी वालों ने तब जाके उनका काम इतना अक्यूरेट निकला बगैर मिस्टेक्स के उन्होंने लिखे पाए तो उसके पीछे किसका काम है आपके आर कार्ड वालों का काम है ना वो सिर्फ ना बिरयानी बनाते हैं बल्कि ऐसे भी उन्होंने एक जमाने में काम किए हैं इसे भी आप जान लीजिए अच्छा बात बढ़ाइए आगे तो 1984 में तो मलिक फहद ने यह हुक्म दिया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां पर कुरान से रिलेटेड पूरा काम किया जाएगा और उसके लिए हुकूमत की तरफ से पूरे पैसे लगाए जाएंगे तो उन्होंने बहुत ही डिजिटल दिज, नंबर्स का ऐलान किया जो अमाउंट उन्होंने ऐलान किया डिजिटल नंबर्स का था और उसके बाद वहां पर 1984 में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया आज भी लोग मदीना जाते हैं तो जरूर जाते हैं उधर और अगर आप जाते हैं तो जरूर जाइए कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स जाइए और जाकर देखिए कि वहां पर कैसे कुरान को छापा जाता है तो वहां पर सारे दुनिया के उलमा को बुलाया गया बेहतरीन तनख्वाहें दी गई और कई सालों तक उनसे कहा गया कि भाई पढ़िए रिसर्च करिए और बताइए कि बगैर मिस्टेक हंड्रेड परसेंट अक्यूरेट नुस्खा कैसे बन सकता है तो उलमा ने कई साल मेहनत की उन्हें कई साल तक उन्हें तनख्वाहें दी गई उन्हें पूरी सहूलियतें दी गई और ने पूरी मेहनत की और उसके बाद एक बहुत बड़े आलिम आए जिनका नाम था उस्मान ताहा उन्होंने इन तमाम लमा की निगरानी में एक मुसहफ तैयार किया ये जो आप सऊदी प्रिंटिंग जो मुसहफ देखते हैं ये फॉन्ट नहीं है ये किसी ने लिखा है किसी ने इसे लिखा है और लिखने वाले साहब का नाम क्या है उस्मान ताहा जाइए नेट में मारिए उस्मान ताहा उनका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा उन्होंने इसे लिखा है अपने हाथों से लिखा है बाद में इसे इन्होंने कंप्यूटराइज में उसे जो है बना के किताबों की शक्ल में छापा है तो हाथ से लिखा गया है इसे बाकायदा हाथ से लिखा है हाथ से लिखने की वजह से इसमें उस्मानी के तौर पर लिखा गया है क्योंकि उस्मानी का कोई खास कायदा नहीं होता आप उसे कंप्यूटराइज नहीं कर सकते उसे बाकायदा हाथ ही से लिखना पड़ेगा तो इन्होंने हाथ से लिखा और बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा कोई आयत कट नहीं होती एक पूरी आयत शुरू होगी एक पूरी आयत सफ़े के नीचे खत्म होगी कोई आयत क्या नहीं होगी कट नहीं होगी इस अंदाज से उन्होंने पूरा इसे लिखा और कई साल तक लिखा उसके बाद एक बेहतरीन नुस्खा तैयार हुआ और इस नुस्खे पर कई दिन तक रिसर्च हुए सारे आलम के स्कॉलर्स को बुलाया गया सेमिनार्स किए गए उस पर जो मेहनतें हुई और कई सालों के मेहनत के बाद एक मुसहफ छप के बाहर निकला लोगों ने कहा कि इस मुसफ का नाम किंग फहद नुस्खा होना चाहिए उन्होंने तो कहा कि हम किंग जेम्स वाले लोग नहीं इसका नाम रखिए मुसहफुल मदीना उन्होंने कहा इसका नाम रखिए मुसहफुल मदीना मुसहफुल मदीना मुनवरा के नाम से यह मुसहफ छप के अब सारी दुनिया में आ रहा है अब तक इसके कई करोड़ों नुस्खे छप चुके हैं जो सारे आलम में मुफ्त तकसीम होते हैं आपको पता है ये जो मुसहफ जो आप आपको मुफ्त मिल जाता है इस एक मुसहफ की कीमत दस हजार रुपए से कम नहीं है दस हजार रुपए से कम नहीं है जो आपको मुफ्त मिलता है दस हजार रुपए मैं कम बोल रहा हूं है ना दस हजार रुपए से कम नहीं ये एक नुस्खे की कीमत, अगर कोई उसे कमर्शियल बनाना चाहे दस बारह हजार रुपए से कम बेच नहीं सकता हो दस हजार रुपए वाली चीज वहां पर वो मुफ्त में देते हैं मुफ्त में सारे आलम में तकसीम करते हैं इसमें कोई कमाने का इंटेंशन नहीं गवर्नमेंट का अच्छा चलिए बात आगे बढ़ाइए ना कि सिर्फ उन्होंने बात यहां पर रोका उन्होंने लगभग 77 लैंग्वेजेस में इसका तर्जमा किया अब इसमें हम तमिलनाडु के रहने वाले हम लोगों को बहुत बड़ी फखर की बात है कि ये 77 लैंग्वेजेस में काम करने वाले हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम थे हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था वी अब्दुल रहीम साहब वाणमबाड़ी के वी अब्दुल रहीम साहब वानम बड़े के जहां आप सिर्फ बिरयानी के बारे में जानते हैं देखिए वहां पर एक बहुत बड़े आलिम थे अभी हाली में इंतकाल एक वाहिद है जो चौदाह जबान जानते हैं ऐसी जबान जानते हैं जो खत्म हो गई उसमें लैटिन एक जबान है कोई बोलता नहीं उसके माहिर थे सूर्यानी जबान के माहिर थे अखड़ियन लैंग्वेज के माहिर थे तो ये जो पुरानी जमाने के माहिर थे इन्हें गवर्नमेंट ने कहा कि इन्हें ला के यहाँ रखा जाए तो लोग आमतौर पर साठ में रिटायर हो जाते हैं ये नाइन्टी थ्री ईयर्स तक वहाँ काम करते रहे किसी ने इन्हें छोड़ने की बात नहीं की जब ये इंतकाल कर गए तो उन्हें काफी गम हुआ कि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है में जो भी कुरान छपा है मतलब तर्जमे हुए हैं उसके सुपरवाइजर थे पूरे लैंग्वेज इनके नजर से गुजरते फाइनल करते तो छपता था इतने बड़े बलन मरते वाले आदमी थे जो हाल ही में इंतकाल कर गए इनकी एक मशहूर दूसरी किताबें दरूसल अरबी जब सिखाने के लिए उन्होंने लिखी असल में उनका फन क्या था अर... अरबी जबान की महारत और अरबी जबान में जो मुख्तों के अल्फाज दाखिल हो गए उसके बहुत बड़े एक वाद आलिम थे उनके बाद कोई नहीं है दुनिया में उतने बड़े आलिम थे उन्होंने एक काम किया तो ये जो आपके पास एक सऊदी प्रिंटेड मुसहफ है उसकी तारीख भी आपके सामने आ गई और ताज प्रिंटिंग जो आप मैंने सुन बताया उसकी भी आपके सामने तारीख आ गई इस अंदाज से सहजी साथियों ये चीज छप के हमारे हाथों में बड़ी आसानी से आ गई कोई भी चीज जब आसान हो जाए तो उसकी क्या होती है घर की मुर्गी दाल बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर आसान हो गई कोई यूज नहीं करता जबकि ये नहीं था तो लोग मर मिटते थे हिस्स करने के लिए ये जब नहीं था तो लोग मर मिटते थे पढ़ने के लिए जब चीजें बहुत आसान हो गई कदर हमारे दिल से कम हो गई इसलिए कदर कम नहीं होना चाहिए इन चीजों को आप देखें तो ये तारीख याद रखिए कि ये आसानी से हमारे हाथ में नहीं आ गया ये आने से पहले कई हजार उलमा कई हजार बादशाह कई हजार बड़े बड़े खत्तीीन के मेहनत है

उनके यहाँ हमेशा से काजी नवायत रहे वो नवाब होंगे उनके काज़ी कौन होंगे नवायत ख़ानदान से होंगे तो ये जो मोहम्मद गौज आर काटी है नवाद ख़ानदान के थे तो ये उस ज़माने में जो मोहम्मद वालाजाह मोहम्मद वालाजाह जो थे उस नवाब के ज़माने में ये काज़ी थे तो बायदा वो नवाब साहब से उनकी तनख्वां थी और उन्होंने इतना बड़ा काम किया तो बायदा उनके लिए सहूलतें नवाब साहब ने दी है ना ये जो आप दीवान साहब बाग जो कहते हैं दीवाना नहीं दीवान दीवान कहते हैं वज़ीर को तो वज़ीर जो थे उन्हें बाग दिया गया था असल में उन्होंने बाग ख़रीदा था इससे पहले इनका घर था प्रजेंसी कॉलेज के बाजू में जितनी बड़ी प्रेजेंसी कॉलेज है उतनी बड़ी जो है उनकी जगह थी जहाँ पर वो ख़ानदान आबाद था बाद अंग्रेज़ आया तो लिया तो उनके पास कोई चीज़ नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पर 110 एक सौ दस एक ग्राउंड में जगह खरीदी थी बाद में पूरा खानदान यहाँ मुंतल इसी अलग तारीख है बहरहाल नवाब का उसमें कुछ रहा है बन बढ़ा आलम देखिए सिंपल में आपको समझा देता हूं इसमें थोड़ी बहुत आपको अरबी किताब लिखते हैं आप है कि नहीं काफ ता अलिफ बा रस्म उस्मानी में ये अलिफ नहीं लिखेंगे काफता बा ही होगा पढ़ेंगे किताब। ये अलिफ ऊपर ये अलिफ लिखेंगे ता के साथ नहीं, नहीं ता के ऊपर लिखेंगे अलिफ अगर ता के बाजू में अगर कोई अलिफ डाल दे रस्म उस्मानी नहीं पूरे कुरान में सिर्फ चार जगह अलीफ के साथ ता लिखा गया है रस्म उस्मानी में पूरे कुरान में ता किताबन ता के बाद जो अलीफ जो लिखा गया है पूरे कुरान में सिर्फ चार जगह है और वो चार जगह अहले इल्म लिखा हुआ है इस जगह के अलावा अगर कहीं पर भी आप इस ता के बगल में अलिफ डालेंगे वो रस्म उस्मानी नहीं है उसके बाद गोल ता लिखने के तरीके हो गए है ना बज़ जगह सात सीन लिखने के तरीके हो गए तो इसमें जो बे बहुत ही डेलीकेट चीज़ें होती हैं तो सिर्फ माहरीनों से जानते हैं आलम नहीं नहीं मैं सऊदी मुसहफ के मदीना की बात कर रहा हूँ उसमें जो मेहनत हुई उसका जब आप वर्क देखिए यूनिक वर्क है, नहीं मिलेगा कहीं और को। उसके लिए बनाते हैं वो मुसहफ के लिए ये पेपर बनाया जाता है बाकायदा और उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं और नहीं मिलेंगी यूनिक है सिर्फ गवर्नमेंट ही उसे बना सकती है कहीं आप और नहीं मिलेगी चीज़ों वो तो उसमें उतनी मेहनत वो कर रहे हैं अलहदुल्ल ठीक है मजीदी ख़त्म कर लेंगे कर्शल